अस्सलाम वालेकुम, हादियाज़ किचन में वेलकम। आज बनाने लगे हैं चनों की पुलाव, और ये काले चनों की पुलाव हम आपके साथ शेयर करेंगे। 300 ग्राम चावल की रेसिपी आपके सामने। एक टमाटर को हमने पील ऑफ कर दिया है, उसका छिलका उतार के उसे स्लाइसेस में कट कर लिया है। और अब हम एक जगह गरम मसाला इकट्ठा करेंगे। एक छोटा चम्मच काले मिर्च का लिया है, एक छोटा चम्मच ही हम साबुत जीरे का, साबुत सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे। और दालचीनी के दो टुकड़े लिए हैं, एक डालेंगे हम इसमें बड़ी इलायची। ये गरम मसाला हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। दो पत्ते हमने तेज़पत्ते के डाले हैं। थोड़ी सी प्याज को हमने फ्राई किया है और इसमें वो टमाटर डाल दिया है। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करने लगे हैं। और अब इसमें डालेंगे बाकी का मसाला। बाकी के मसाले में अब हमने इसमें जो के गरम मसाला बनाया था वो शामिल कर देंगे। और इसमें डालेंगे नमक, एक चम्मच हमने इसमें नमक डाला है। आधा चम्मच हम इसमें पिसा हुआ सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करने लगे हैं। और आधा चम्मच ही हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इन सब चीज़ों का फ्लेवर इसमें बहुत ज़बरदस्त आएगा। एक प्याली उबले हुए काले चने इसमें डाले हैं। और अब इसमें हम पानी डालकर इसे पकने के लिए रख देंगे। चने चूँकि बॉयल हैं तो सिर्फ पानी को बॉयल होने की ज़रूरत होगी। जैसे ही पानी बॉयल होगा उसमें हम चावल डालकर तैयार कर लेंगे। चावलों को इतनी देर भिगो कर रख दें। पानी बॉयल होने के साथ ही इसमें अब हमने चावल शामिल करने हैं। और ये मज़ेदार काले चनों का पुलाव आपके सामने तैयार हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी चाहत का इजहार कमेंट्स में किया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी।